नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर। आपने अभी सुना होगा कि इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना था, उसको एक बड़ा झटका लगा है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जो है वो अब इससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव होंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने दम पर यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, यानी किसी भी तरह के गठबंधन से उन्होंने इनकार किया है। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, कश्मीर की जो संसदीय सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। और जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे माहौल में क्यों कर अपनी सीटें शेयर करना चाहेगी। और बाकी जो जम्मू डिवीजन में जो 3 संसदीय सीटें अभी हाल ही में बनी हैं, जिस तरह से जम्मू जो है वो रियासी सीट बन गई है, इसके साथ साथ ही डोडा, उधमपुर और जो पुरानी सीटें थी वो हैं, इसके साथ ही राजौरी, पुंछ जो है वो अनंतनाग के साथ गया है। तो इन 3 सीटों पर क्या कुछ विकल्प रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, उसके ऊपर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। और ये कहा कि अभी खिड़कियां दरवाजे खुले हैं, यानी जम्मू संभाग में, जम्मू डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन जो है वो हो सकता है, लेकिन कश्मीर की जो संसदीय सीटें हैं उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी समझौता नहीं करेगी। क्योंकि मौजूदा समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद इस समय जो है वो संसद में है, और इस तरह से सीट शेयरिंग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं करना चाहेगी। और ये एक जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कही है कि प्री पोल अलायंस नहीं होगा, यानी किसी भी तरह से कोई गठबंधन नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर संसदीय चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। चूंकि इंडिया गठबंधन जो है वो कोशिश कर रहा था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये तमाम जो दल हैं ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर में ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कुछ सीट शेयर जो है वो कांग्रेस के साथ हो सकता है, कुछ एक आध सीट जो है वो पीडीपी के साथ हो सकती है, और कुछ बाकी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जा सकती है। लेकिन अभी फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया कि कोई प्री पोल अलायंस जो है वो नहीं होगा, यानी पीडीपी के साथ या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का जो एक अटकलें लगाई जा रही थी उससे उन्होंने साफ इनकार किया है। दूसरा एक सबसे बड़ा पहलू इसमें जो है वो देखने लायक ये है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये जो ऐलान किया है क्या किसी दबाव के चलते किया है। चूंकि आप जानते हैं कि जेकेसीए का मामला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला, उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला पर जो ईडी की तलवार है वो अभी लटक रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो ईडी है उन्होंने अब तक कई बार ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को समन भी भेजा गया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपीयर नहीं हुए, यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और उन्होंने बार बार अपनी सेहत का हवाला दिया है कि सेहत के चलते जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो क्या ये जो समीकरण अभी बदल रहे हैं, क्या इसमें ईडी का भी एक बहुत बड़ा रोल है? ईडी के दबाव के चलते क्या फारूक अब्दुल्ला जो है वो अब इंडिया गठबंधन से खुद की दूरी बना रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूरी बना रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के संसदीय चुनावों को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये एक बड़ा बयान जो है वो दिया है कि कोई प्री पोल अलायंस नहीं होगा, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा एक राजनीतिक समीकरण जम्मू कश्मीर में ये भी देखा जा रहा है, जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए बड़ा जीतोड़ मेहनत कर रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। और हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनावों का बिगुल तो नहीं बजा, लेकिन आने वाले कुछ समय में अगर विधानसभा चुनावों का बिगुल बजता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा वोट बैंक लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में सामने आएगी। तो उस लिहाज से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत स्थिति में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त किसी दूसरे दल की या गठबंधन की जरूरत नहीं है, और इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने ये एक बड़ा ऐलान किया है। तो 2-3 पैरामीटर्स उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। एक तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत स्थिति में है। दूसरा, ईडी का एक अलग एंगल है
जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और क्या ईडी के दबाव के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया गठबंधन से दूरी बना रही है, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जम्मू डिवीजन में जो है वो क्या गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ, उसको लेकर हालांकि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं कही है, यानी सीधे तौर पर इनकार नहीं किया है, लेकिन कश्मीर की सीटों को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा है, साफ संकेत दिए, इशारा किया है कि वहां कोई समझौता जो है वो नहीं होगा। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई मान मनोबल करता है, या जम्मू संभाग की सीटों को लेकर कांग्रेस पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सीट शेयर होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।